अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद आप खरीद से होंगे। ये देखिए आज सही ना पीछे आ गए यार, सही हिले हुए आज ये गए ऊपर। आज मैं इनको ऊपर खाने नहीं देता, आज इनको ना सोलर के पास ही देता हूँ। जा उड़ो, ये लो। मौसम सही ना आज, बारिश वाला बना हुआ है और गाड़ी भी मैंने धोनी है क्योंकि कल एक दो काम करने गया हुआ था तो फिर वापस आके कपड़ा नहीं छुड़ाया क्योंकि डस्ट चढ़ी हुई थी ना। साफ करके इसको दोबारा मैं कवर चढ़ा दूंगा, वो धो गए। इनको मैं यार खाना देता हूँ और बेबी पिजन को भी देखते हैं आज बेबी पिजन क्या कर रहा है। ये खाएं खाना इधर। सोलर भी साफ हो जाएगा आज अगर बारिश हुई तो। ये देखे ना यार हमारी कॉइल्स हमारे बटेरे फिट हो गए हैं। इनको यहाँ से यूँ करके थोड़ा ढंपा हुआ था मैंने, थोड़ी बहुत मैंने कहा हवा आ जाए अंदर, थोड़ा आधी करो इस यहाँ के माहौल से इनको। ये देखे माशाल्लाह, दो तो वीक हो गए थे हमारे, थे शुरू में सही लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ उन्हें, वो तो मर गए लेकिन ये दो फिट सर्वाइव कर गए। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था हमने इनका केज बना लिया था प्रॉपर और अभी फिट। अब मैं ना दो ब्राउन कलर के लाऊंगा, वो इधर छोड़ूंगा। ये गए, वो खैर हो, बेबी पिजन को देखते हैं बेबी पिजन क्या है, क्या कह रहा है। माशाल्लाह बड़ा हो गया यार ये तो, और ये ब्राउन कलर का निकला है, फुल ब्राउन। ये बिल्कुल अपने फादर पे गया है, मदर इसकी चिट्टी है और ये ब्राउन कलर का ना प्योर लक्का, खूबसूरत फैंसी पाँव भी देखे इसके पर आए हुए। ये भी कुछ दिनों बाद इनके साथ उड़ना स्टार्ट कर देगा। इनको भूख लगी हुई है, इनको मैं खाना देता हूँ। चलिए यार इनको थोड़ा सा खाना देता हूँ। जी आ गए, इनको वापस भगाता हूँ फिर बुलाता हूँ। अब बुलाता हूँ। ये एक दिखाता हूँ कौन फादर है उस बेबी पिजन का, ये अला, ये ब्राउन कलर का जो नहीं है ये फादर है और ये अली मदर है, इसका बच्चा है। डव्स को भी मैं बाहर रखता हूँ, इनको खाना देता हूँ फिर आगे जो दो चार काम है यार वो करते हैं आज के। ये लो भाई, ये लो और ये लो। बटेरों को भी मैंने खाना डाल दिया, बड़ा औखा डालना था यार इनको खाना, वो डाल दिया मैंने वाइट वाइट सा। पानी इनको थोड़ा मैं कम देता हूँ लिमिटेड, उनका पोटा फिल हो जाता है। इनको डव्स को देता हूँ खाना, अभी आएंगे ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर फीमेल उठी अब कितने बच्चे हैं, इन्होंने गिरा ही दिए यार, छलांगे मार मार के इन्होंने गिरा दिए। ये फीमेल बैठी हुई है ऊपर अंडों पे, तीन अंडे दिए थे, एक गिर दो तोड़ दिए, अब पता नहीं क्या स्टेटस चल रहा है इसका, अगर उठेगी तो पता चलेगा, पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करते यार। बेबी पिजन को ना एक दफ़ा और देख ले, आ जाएगा ये हफ्ते बाद आ जाएगा बाहर इंशाल्लाह।
अच्छा यार अभी ना बहुत ज़्यादा आसपास हमारे घास लगी हुई थी, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कोई सांप वाम ना आ जाए, तो इसी वक्त मैंने इस बंदे को बुला के ना सोचा कि सारी की सारी ना आसपास की जो जंगली घास है ये कट जाए सिवाय सिर्फ इस अनार के, अनार के अलावा सारी की सारी घास इंशाल्लाह काट देगा अभी। जरा हमारा एरिया तो सारा साफ हो गया, बाकी गली में लगे रहेंगे, बेहतर है अंदर चलते हैं, बाकी सारा ना हम इसको आग लगा देंगे। अभी ये है कि मैं थक गया थोड़ा सा ना, हमारा नींबू माशाल्लाह सही फल लगा इस दफ़ा। ये करते हैं कि शिकंजी के लिए ना एक एक दो दो सही रहेंगे, बल्कि तीसरा भी तोड़ लेता हूँ कोई सही सा हो, वो एंड वाला ये इसको भी तोड़ लेते हैं। तीन ही हो गए, खून भी निकला है यार, कांटा लग गया। गाड़ी यार नहीं धोते आज, क्योंकि ना आज शायद बाहर जाना पड़े दोबारा, और हमारी गाड़ी वैसे साफ़ है, पॉलिश हुई हुई है, तो बेहतर इसको भी छेड़ा ना जाए, शायद बाहर निकलना पड़े भी तो रात हो, बस हल्का सा पानी मार के ना कपड़ा मार के बस खड़ा कर देंगे। और ये भी हमने काट दिया था अपना सारा अंगूर, और जो गूगी थी वो उसका स्टेटस देखते हैं। वो चली गई यहाँ से, उसके दोनों बच्चे बिल्ली खा गई थी, शायद कुदरत को ये मंजूर था। उम्मीद है यार ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।